नहीं राम कृपाल के कौन देगा चौटा, हम देंगे इसको कि लज्जन साल से सांसद यहाँ धोखेबाज है लालू जोर लड़ा के धोखेबाजी किया वो, क्योंकि पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव का पत्ता साफ है। हाँ पत्ता यहाँ से साफ है। देखिए लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण में है और 4 तारीख को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में अभी हम कोठिया में है जो कि पाटलिपुत्रा विधान लोकसभा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी समस्या क्या है और इस बार इनका जो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। क्या नाम है चाचा? हमारा केशव प्रसाद नाम। क्या माहौल है इधर का? माहौल हम मीसा भारती के देंगे, काहे कि लालू बाबू आते थे, हम लोग के सबके घर बनाए थे। नरेंद्र मोदी तुर रहा है, नरेंद्र मोदी घर तुर रहा है, ओकरे पार्टी तुर रहा है। तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? एक को कहीं एक को कहाँ तक मिला कोई के? वहाँ बनाया था लालू बाबू जो वाला तुर रहा है, हम लोग के कागज वाला जमीन है, तैयो पैसा नहीं दे रहा है। कहते बाप दादा के है रसीद करता है, अपना नामे कराएगा तब मिलेगा, न तो न मिलेगा। अपना नामे करावे जाते है ना तो ब्लॉक में तरपा रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ हो रहे हैं, अन्याय के साथ है। इनका इनका में ब्लॉक में कोई काम कर रहा है सब जाइए ना टहला देगा। ब्लॉक में कुछ काम नहीं होता है, खाली टहलुअल होता है, समझ लिया। ब्लॉक इनका है, इनका समय में ब्लॉक में कोई काम ला जाइए, निम्नो काम ला जाइए, नहीं होगा खोदते रहिए, उन्हें बहाना मार देगा, उन्हें बहाना मार देगा। आप लोग की तरफ समस्या क्या है, क्या चाहते हैं? हम लोग को घर पीछू नौकरी मिल जाए, नौकरी खाने पीने के रोजगार मिल जाए कि सबका, हम लोग बाल बच्चा बढ़िया। सरकार तो कहती है कि रोजगार बेरोजगारी खत्म कर दिए। बेरोजगारी से कम हम लोग के जो हम लोग जो है अच्छा से वही तो हमको उजार रहा है, वही चीज बात हमको खत्म कर रहा है, तो फिर हम घर बनाएंगे टूट जाए। वोट किधर, राम कृपाल यादव को या मीसा भारती को? नहीं राम कृपाल के कौन देगा चौटा, हम देंगे इसको कि लज्जन साल से सांसद यहाँ वो धोखेबाज है, लालू जोर लड़ा के धोखेबाजी किया। वो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए अपने क्षेत्र, कुछ नहीं किया, खाले जुमला इन्होंने आता है चुप चुप चल जाता है, कुछ किया वो गैस सिलेंडर यहाँ खोल दिया, फुलवाड़ी में खोल दिया, जमीन ले लेके तो राज में बिक गया, नरेंद्र मोदी से बिक गया, लालू तरफ से हट के बिक गया है राम कृपाल यादव, बिकल है तो बिक गया, पैसा पर ले लिया नरेंद्र मोदी इसको। अभी कोल में गैस के खोले हुए एजेंसी, हुआ फुलवाड़ी में खोले हुए है, पहले एक महिला ने कि पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव का पत्ता साफ है। हाँ पत्ता यहाँ से साफ है। आरजेडी जो नरेंद्र मोदी है ना वो बहुत झूठ बोलता है, जुमलाबाज है, समझ गए ना, जुमलाबाजी करता है, सही बात नहीं बोलता है, झूठ बोला। सांसद रहे कुछ नहीं किए हैं गांव के लिए, कह रहे हैं मोदी जी की 4 तारीख के बाद तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली जुमला है, कुछ जुमला है खाली। क्या चाची क्या इधर माहौल है? माहौल तो यही है, सब सब लोग तो बोल ही रहा है सर, हम लोग तो गरीब आदमी मर रहे हैं सर, बाल बच्चा के पढ़ा के घर में एकदम मट्टी हो गया सर, 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी मेथी करके बाल बच्चा के पढ़ाए सर, एक घड़ी बेरोजगार हम लोग हो रहा है। मोदी जी राशन दे रहे हैं? राशन कहाँ दे रहा है, कितना राशन दे रहा है, 5 किलो में 5 किलो देता है, 5 किलो काट ही लेता है, तो कहाँ हम लोग के फायदा है? हम लोग के फायदा कहाँ है? लालू जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 किलो राशन देंगे, तो हमारी सरकार जब बनेगा तो मैंने 200 किलो मिलेगा तो सर पूर्ति नहीं होगा, 200 किलो मिलेगा तो पूर्ति नहीं है, समस्या आजकल के डेट में समस्या है सर, हम लोग के बाल बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा दिया, हम लोग के बेटी के नौकरी चाहिए सर, नौकरी चाहिए ना। हाँ मेरी किस मुद्दा पर दीजिएगा? रोजगार के, रोजगार के मुद्दा पर, रोजगार के मुद्दा पर। हाँ क्या क्या माहौल लगता है इधर, क्या माहौल है यहाँ का? ऐसी माहौल है भैया, क्या करें हम लोग, क्या चाहिए सर, गरीब आदमी को तो यही चाहिए कि रोजी रोजगार मिल जाए, पढ़ लिख के बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ईटा पत्थर में कमाने जा रहा, मेहनत से कितना प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा, भटक रहा, ईटा पत्थर ढो रहा। कहते हैं बीजेपी के नेता कि पढ़ा लिखा रहेगा तब ना नौकरी मिलेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना नौकरी बनेगा, तो हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है सर, पहले के जमाना कैसा था सर कि अंगूठा छापता उसको भी नौकरी था, अब तो आइए भी हम लोग करा के घर में रोटी बनवा रहे हैं सर, ऐसे काहे बोलते हैं? हाँ पहले के आदमी के साले के सिग्नेचरों करा के लूर नहीं था, फिर भी उसको नौकरी था, अब तो आइए भी आदमी माने गरीबों का मसीहा कौन है? लालू यादव। लालू यादव हाँ, मोदी जी लगातार रह रहे हैं कि हमको जिता दीजिए। मोदी जी तो हम लोग के मार रहा है, कैसे कैसे नहीं मार रहे, सब तरह से मार रहा है,
सब तरह से कह रहे हैं कि गरीबों को खाता खुलवा दिए, गैस सिलेंडर दे दिए। खाता तो हम लोग खुलवा दिए, तो कहाँ पैसा दिया? पैसा खाता पर कहाँ दिया? मोदी जी को विदेश घूमने छुट्टी है कि बिहार? कह रहे हैं कि विदेश घूमेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। क्या रिश्ता मजबूत होगा? क्या हुआ विदेश से रिश्ता मजबूत? क्या बिहार है? बिहार बिहार के ऊपर ध्यान है उनको? कुछ नहीं ध्यान है। यानी क्या बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए? बिहार के बारे में मैं जानता हूँ कि इंडिया को मजबूत करने के लिए वोट दूंगा, लेकिन कारण क्या है? बिहार पर कुछ ध्यान नहीं है। पता है यहाँ पर बिहार में कितना कंपनी है? बिहार में कंपनी कितना है? अरे बिहार में कंपनी रहता था ना, बाहर नहीं जाता। बेरोजगारी यह बेरोजगारी है, जनसंख्या बढ़ते हुए चला जा रहा है। किस आधार पर वोट दीजिएगा आप लोग? एक तरफ बात हो रहा है रोजगार का, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनाज हम दे रहे हैं 5 केजी। तो अनाज ठीक है दे रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, बस शर्त क्या है कि हमारे जनसंख्या के अनुसार रोजगार मिलेगा तो दिक्कत नहीं होगा, और क्या। चलिए चाची, क्या इधर का माहौल है, क्या लग रहा है? लग रहा है तो लग रहा है कि घर से बेघर वाला बढ़ रहा है। घर से बेघर वाला? मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर दिया, आप कह रहे हैं कि घर से घर दिया है? देखिए ना, आपके सामने ना है, कह रहे हैं ना। रहबे नहीं करेंगे तो वोट कौन मारेगा, बताइए? ऐसे क्या बोल रहे हैं, कहा नहीं रहिएगा? कहाँ रहेंगे, कहा जा रहा है घर? हाँ राशन मिल रहा है तो पिल्लू वाला चाव मिल रहा है, वो में 6 अमदी का नाम है, 3 अमदी के दे रहा है, 3 अमदी के घपला कर रहा है। कह रहे कि बासमती चावल मिल रहा है। चलिए ना, चावल दिखा रहा है, आप चावल को पहले के चावल लेकर रुक जा, हम अभी ला चावल लेकर अभी जा दिखावे। चावल कीड़ा वाला चावल मिलता है? नहीं मिलता है, कीड़ा वाला चावल मिलता है, वो में काट के मिलता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सिलेंडर दे दिए महिलाओं को, सिलेंडर 1400 में 1100 में डायरेक्ट खाता में पैसा आता है, कहाँ से भरेगा गरीब आदमी, कहाँ से भरेगा 1400 में? कितना विकास हुआ है आप लोग? कुछ नहीं विकास हुआ है, अपना बोगली भर रहा है मोदी सरकार। आपको तो कह रहे हैं कि लालू जी भरते हैं, हमारा बोले ना अब बोलवाइए। अरे लालू जी तो हमने का बेचारा ईटा देखा, घंटी डलाता है घंटी। मोदिया मोदिया का तो हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। मोदिया के मंदिर बनवा दिए कह रहे हैं, वो मंदिर हम लोग पूजा करेंगे भूखले पेट रह के। मंदिर से भी रोजगार मिलता है नहीं कह रहे? मंदिर हम लोग को नहीं चाहिए, पहले हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तब ना मंदिर में पूजा कर जाएंगे, पान फूल लेके खरीदिए फिर जाएंगे पूजा करे। यहाँ से किसको जिताइएगा? यहाँ से निशा भारती। निशा भारती लालू जी की बेटी को? हाँ लालू जी के बेटी को निशा भारती। कौन सा जगह हुआ? कोठिया। तो अभी हम लोग पाटलिपुत्र लोकसभा के कोठिया में मौजूद है, यहाँ से लोग कह रहे हैं कि इस बार निशा भारती को जिताएंगे। यहाँ का जो वर्तमान सांसद है राम कृपाल यादव, उनसे लोग काफी नाराज है। लोगों का कहना है कि राम कृपाल यादव अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देते हैं। लोग का काफी शिकायत है अपने सांसद से, इसलिए कह रहे हैं कि इस बार यहाँ बदलाव होना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।